पुलिस ने गुरुग्राम के एक व्यापारी को कथित तौर पर कॉल करने और गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। व्यापारी की शिकायत के आधार पर गुरुग्राम सदर थाने में मंगलवार शाम को IPC की धारा 386 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार व्यवसायी रोहतक में पैकेजिंग और छपाई की सुविधा का मालिक है और कई ब्रांडेड फर्मों द्वारा उत्पादित खाद्य वस्तुओं का कारोबार करता है। पुलिस ने कहा है कि शिकायतकर्ता को सोमवार रात एक अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल फोन पर कथित तौर पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने रंगदारी की मांग करते हुए गोली मारकर जान से मारने और फैक्ट्री बंद करने की धमकी दी। पुलिस ने कहा कि फोन करने वाले ने कथित तौर पर खुद को भवाना गिरोह का सदस्य बताया है। पुलिस ने कहा है कि अज्ञात फोन करने वाले व्यापारी को दो बार फोन किया, लेकिन दोनों बार उसने संदिग्ध से कुछ सेकंड तक बात करने के बाद फोन काट दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने रोहतक में भी मामला दर्ज किया था और अधिक जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। उन्होंने कहा अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि जिस संदिग्ध ने व्यापारी को रंगदारी की कॉल की थी वो वास्तव में गैंगस्टर से जुड़ा है या नहीं, या एक छोटा अपराधी है जो भवाना के नाम का हवाला देकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फोन करने वाले ने शिकायतकर्ता को जबरन वसूली की राशि या भुगतान के लिए किसी समय सीमा के बारे में नहीं बताया है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शिकायतकर्ता को पहले इस तरह के कॉल आए थे या नहीं। उन्होंने कहा कि गंभीर प्रकृति के 40 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी गैंगस्टर भवाना वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके गिरोह के कई सदस्य हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। गुरुग्राम सदर थाने के थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस नंबर से रंगदारी मांगी गई थी वो अभी फिलहाल स्विच ऑफ है।